अरे क्या कर रहा है नंदू, जल्दी कर, जल्दी जा। अरे संभाल के कर। अरे बहुत भारी है। अरे बाप रे। अरे खा खा के तुम लोग सुस्त हो गए, जल्दी काम कर। अरे मेरा चेहरा मत देखो, काम करो। अरे जल्दी आओ, ट्रॉली को यहां घुमाओ। अब सुन, जल्दी जल्दी सामान उतार, चल। साहब ये बोरी बहुत भारी है, अकेले से नहीं उतर रही है। खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, और तू क्या कर रहा है? अरे इसकी मदद कर। Excuse me, हटिए। कुछ पता चला? कुछ नहीं सर। बॉडी पे कोई चोट वोट के निशान है? कुछ नहीं सर, बॉडी पे मिट्टी लगी हुई है। बॉडी पर खून या कुछ और? नहीं मैम, हाँ बस ये एक फूल मिला है। फूल? हाँ मैम, फूलों की पत्तियां इसकी बॉडी पे चिपके हुई थी। बॉडी किसमें थी? सर ये बोरी में थी। ये बोरी देख रहे हो? ये बोरी इन सभी पैकेट से अलग है। राघव कौन है? मैं हूं सर, मैं हूं। ये ट्रक कहां से आया था? कोल्हापुर से। और ये सारा सामान कोल्हापुर से लोड हुआ था? हाँ सर, हम सारा सामान वहीं से मंगवाते है ना सर? हाँ सर, हमारा पूरा सामान कोल्हापुर से ही आता है। ये सारा सामान कोल्हापुर में लोड हुआ था, लेकिन ये बोरी कहीं और से लोड हुई। रास्ते में कहां पे लोड किया था इसे? सर वो मुझे नहीं पता। तू सुपरवाइजर है ना? तेरी ट्रक में कोई लाद सकता है, तेरे को पता नहीं है? सर मैं फैक्ट्री में था, आज सुबह जब ट्रक कोल्हापुर से आया तो ये सारी बोरियां उसमें थी, लेकिन ये बोरी कहां से, ये मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बोरियां मुंबई में नहीं डाली गई है? नहीं मैडम, ट्रक में से सारा सामान मैंने उतरवाया था, और वो ट्रक का ड्राइवर महेश और वो उसका हेल्पर दिनेश दोनों आते ही सो गए। कहां पे है दोनों? हमने खून नहीं किया साहब। नहीं किया तो वो लाश तुम्हारे ट्रक में कैसे आई? हमको नहीं मालूम साहब, पर ये खून हमने नहीं किया है। हर खूनी यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया। एक लड़की की लाश तुम्हारे ट्रक में मिली है और तुम कहते हो पता नहीं? मैडम जब हम कोल्हापुर से निकले थे तो हमारे ट्रक में कोई लाश वाश नहीं थी। रास्ते में किसने लाश डाल दी हमें क्या पता? हम तो ट्रक आगे से चलाते हैं ना, अब पीछे कौन क्या कर रहा है हमें कैसा पता चलेगा? अब खुद ही देख लो साहब, जिस बोरी में लाश थी वो बोरी बाकी सभी बोरियों से बिल्कुल अलग थी। हाईवे पे तो बहुत सारे ट्रक चलते हैं, कोई वो लाश तुम्हारे ट्रक में क्यों डालेगा? ये जो नाटक कर रहे हो ना, बंद करो और चुपचाप बताओ लड़की को क्यों मारा। अमित सरोनी, एक मिनट। आप फॉरेंसिक रिपोर्ट, लाश पे ना तो कोई चोट, ना तो कोई घाव, ना तो कोई खून है। यहाँ तक कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले भी नहीं पता कर पाए कि ये मौत कैसे हुई है। क्या? लेकिन हाँ, बॉडी के बाकी ऑर्गन जैसे लिवर, दिल, फेफड़ा, गुर्दा, इन सब ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। कैसे पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आगे पढ़। लाश बहुत तेजी से सड़ रही है। एक
लड़के की मौत एक दिन पहले हुई है और उसकी लाश देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे तीन दिन पहले हुई हो। हाँ, कैसे मारा गया होगा उसे? मुझे नहीं लगता कि इन दोनों ने मारा होगा। राइट, खून इन दोनों ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा ये लड़की है कौन। चलो उन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने बीच रास्ते में गाड़ी कहाँ कहाँ रखी। वही कहीं इस खूनी ने लाश को ट्रक में डाला। कोल्हापुर से लेके मुंबई तक बीच में गाड़ी कहाँ कहाँ रुकी थी? अभी साहब, वो इतना लंबा सफर है तो कई जगह रुका था ना। अब ढाबे पे, चाय पीने के लिए, टोल टैक्स पे और जंगल में भी। अब मगर साहब, अब ये मत पूछना कि जंगल में कहाँ कहाँ रुका था। अब जंगल में सभी इलाके एक जैसे ही होते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता कौन सा मोड़ कहाँ है और कौन सा कहाँ। तो अब कैसे पता करेंगे कि कहाँ, किसने, कैसे लाश डाली है ट्रक में? ये लड़की तीन दिन पहले गायब हुई थी तो जाहिर है कि उसके परिवार वालों ने उसके गुम होने की खबर पुलिस में दी होगी। फिर एक काम कर, कोल्हापुर और मुंबई के बीच में जितने भी क्राइम यूनिट हैं सबको वायरलेस भेज के पता कर कि उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट कौन से पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी। ठीक है इंस्पेक्टर उदय, आर यू श्योर कि ये वही लड़की जिसे हम ढूंढ रहे हैं? हाँ सर, ये देखिए, मैं उस लड़की की फोटोग्राफ्स भी लेकर आया हूँ। इसका नाम माया है। माया? और दो दिन पहले इसके मिसिंग होने की कंप्लेंट भी कोई लिखवा के गया है। किसने लिखवाई थी कंप्लेंट? मैं आपको वहीं लेकर चल रहा हूँ। जी कहिए। हम क्राइम यूनिट से। क्राइम यूनिट से? अरे सुन जो, तन्मय, तन्मय। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? हमारे घर पे क्राइम यूनिट वाले आए। क्राइम यूनिट वाले? जल्दी चलो, ये देखो, ये क्राइम यूनिट वाले हमारे घर में कहाँ गए? जी बोलिए। भैया सॉरी, पर हमें माया की लाश मिली है, किसी ने उसका खून कर दिया है। खून? ये माया कौन है? माया कौन है? माया जिसकी आपने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी? नहीं, मैंने किसी की रिपोर्ट नहीं लिखाई है। आपका नाम तन्मय है ना? हाँ तन्मय मेरा ही नाम है। तो मिसिंग रिपोर्ट में तो आप ही का नाम है और पता भी यहीं का है। ये लड़की, मैं जानती थी तुम जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करोगे। बताओ कब से चल रहा है ये सब तुम्हारे साथ? नहीं दिया, मैं नहीं जानता ये कौन है। अरे साहब, क्यों मेरी बैंड बजा रहे हैं आप लोग? मैं नहीं जानता हूँ ये लड़की कौन है। मैंने कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई। आप लोग से कोई गलत फहमी हुई है। देखिए झूठ मत बोलिए, मिसिंग रिपोर्ट में आप ही का नाम है, पता भी यही का है। सच सच बताइए, बात क्या है? सर शायद ये सच बोल रहा है। अभी दो दिन पहले एक केस ऐसे ही सामने आया, उसमें भी मिसिंग रिपोर्ट में गलत एड्रेस था। मुझे तो लगता है कि ये दोनों केस में कुछ ना कुछ ताल्लुक है। ठीक है, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी हम फिर आएंगे। अमित, ये भाईजान तो बाल बाल बच गए। उदय, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उस केस में भी यही हुआ था? हाँ मैम। ये देखिए सर, 12 मई को इस लड़की की लाश मिली थी और इसके भी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन जब हम उस जगह पर गए तो पता चला इसको तो कोई पहचानता ही नहीं है। जरा देखा ना, इस लड़की की लाश पर भी मिट्टी लगी थी, उसी लाश की तरह जो हमें ट्रक में मिली थी। ये लाश आपको कहाँ मिली? बीच सड़क पर। बीच सड़क पर? कोई किसी का खून करके लाश बीच सड़क पर क्यों छोड़ देगा? खूनी ने लाश छुपाने की कोशिश ही नहीं की। लड़की की लाश सड़क पे, माया की लाश ट्रक में, ये खूनी आकर चाहता क्या है? ओके, ये खूनी इन लाशों को छुपाना नहीं बल्कि सबके सामने लेकर आना चाहता है ताकि पुलिस की नजर इन सब पर पड़े। राइट राइट। ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है?
पर डेड बॉडी देखकर तो डॉक्टर खुद हैरान रह गए। मौत एकदम वैसी हुई जैसे माया की हुई थी। बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन्स ने अचानक एक साथ काम करना बंद कर दिया, क्यों कोई नहीं जानता है। बॉडी तेजी से सड़ रही थी। एवरीथिंग इज द सेम, मिसिंग रिपोर्ट्स, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स। हो ना हो ये दोनों केसेस के बीच में कोई रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है ये किसी बड़ी गेम का हिस्सा है। लेकिन अब करे तो करे क्या, इनके पते तो गलत है, पता नहीं नाम भी सही है या नहीं। सूर्या सर के पास चलते हैं। आ वीर आ गए। क्यों सर, नहीं आना चाहिए था, मैं जाता हूँ सर। अरे नहीं नहीं, मुझे तो आज लग रहा था कि तुम लोग आओगे और सही वक्त पे आए हो। बैठो नाश्ता करो, तुम लोगों ने शायद नाश्ता भी नहीं किया होगा। क्या करें सर, केस ही कुछ ऐसा है। अमित नाश्ता कर ले, अपने आप एनर्जी आएगी और केस अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है वीर कि खाए बिना तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है ना। बस बस यहाँ वहाँ की बातें ज्यादा मत करो, काम की बात करो, केस के बारे में जल्दी बात शुरू करो। अमित को गुस्सा आ रहा है। हाँ सर, सर एक लाश मिली है सर, बोरी में, वो भी एक ट्रक में। और सर पूछताछ करने के बाद पता चला है कि किसी ने उसकी गुम होने की कंप्लेन पुणे के एक पुलिस स्टेशन में दी थी। पर सर जब हम उस कंप्लेन पे लिखे एड्रेस पे गए तो पता चला कि एड्रेस ही गलत है। मतलब गुम होने की कंप्लेन पर गलत एड्रेस लिखा गया था। जी सर, और यही नहीं सर, वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर से ये पता चला है कि ऐसा ही एक केस पहले भी हो चुका है वहाँ पर। एक लड़की के गुम होने की कंप्लेन लिखाई गई है और वो भी गलत एड्रेस के साथ। बड़ा अजीब केस है। हाँ सर, बहुत ही अजीब केस है सर, पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें। सलोनी, ये सारे गलत एड्रेस किसी काम के नहीं। और सर फोरेंसिक रिपोर्ट में भी हमें कुछ नहीं मिला है, हमारे पास सिर्फ मिट्टी में सनी लाश और कुछ भी नहीं। और लाशें तो बोलेंगी नहीं सर। बहुत बोलती है लाशें, उनकी भाषा अलग होती है, सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। ये लड़की माया जिसकी लाश ट्रक में मिली, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? सर मरने का कारण तो फोरेंसिक एक्सपर्ट भी नहीं जान पाए, सिर्फ इतना ही लिखा है कि कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसके शरीर के सभी ऑर्गन्स एक साथ फेल हो गए और उसकी बॉडी बड़ी तेजी से सड़ रही है। तुमने बताया कि दोनों लाशों पर मिट्टी पाई गई। जी सर। माया की लाश पर मिट्टी के अलावा कुछ और मिला था? कुछ भी सर, बेसिकली कचरा ही था, घास थी, गुलाबी फूल थे और हरी पत्तियां थी और बेसिकली गार्बेज सर। गुलाब? नहीं सर, गुलाब नहीं। हाँ सर, नहीं सर। ठीक से बताओ, सही तरीके से बताओ, क्या गुलाबी पत्तियां? सर छोटी छोटी गुलाबी पत्तियां थी सर, लंबी लंबी डाल वाली। छोटी छोटी गुलाबी पत्तियां और लंबी। वीर। हाँ सर। लैपटॉप ले गया। अब नेट पे सर्च करो सेपियस इनकार्नाटा, ASCEPIAS इनकार, INCARNATA। सर सर यही वो फूल है सर, सेपियस इनकार्नाटा। इस किस्म के फूल तो दलदल पे मिलते हैं, और अगर लाश पर इस किस्म के फूल मिले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक में डालने से पहले लाश किसी दलदल में थी। यानी किसी ने दलदल से निकाल कर लाश को गोनी में डाला होगा फिर ट्रक में। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा सर? इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। पहले यह पता करो कि लाश किस दलदल से निकाली गई है और ट्रक कहां कहां रुका था। सर ट्रक का रास्ते में 7-8 जगह पर रुका था, सबसे पहले एक ढाबे पर, फिर चाय की दुकान पर, टोल नाका और जंगल में कई बार रुका था सर। जंगल में कई बार क्यों? ट्रक ड्राइवर ने कहा था कि कुछ खराबी हो गई थी इसलिए। कोल्हापुर के रास्ते से ट्रक आ रहा था। जी सर। और कोल्हापुर के रास्ते में देवनार का जंगल पड़ता है और देवनार के जंगल में कई दलदल हैं। हाईवे के पास जितने भी दलदल हैं वो सारे दलदल चेक करो। अगला सुराग
वहां मिलेगा। मैप के हिसाब से यही है देवनार के जंगल, और सूर्य सर का कहना है कि वो तालाब जहां से वो दो बॉडीज निकाली गई हैं, हमें यहीं कहीं मिलेगा। Guys! वो देखो, वो रहा। Guys, ये देखो, ये वही गुलाबी फूल हैं जो हमें माया की डेड बॉडी पर मिले थे। राइट। लड़की की चेन, मतलब इतना तो कंफर्म्ड है कि लाश को इसी तालाब से निकाल के यहीं से घसीटा गया। गाइस, दूसरा निशान यहां से भी लाश को घसीटा गया। ये तो समझ में आता है कि खूनी ने इतनी दूर इस तालाब में लाश को क्यों डाला, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई उसे यहां से निकालेगा क्यों और एक लाश को पुणे की सड़क पर छोड़ दी जो कि यहां से बहुत ही दूर, और दूसरी लाश को एक बोरी में डालकर ट्रक में डाल दिया। एग्जैक्टली, वो ऐसा क्यों करेगा? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर खूनी को लाशों को छुपाना ही था तो तालाब से बाहर क्यों निकालता? हो सकता है कि इस तालाब में लाश डालने वाला और लाश निकालने वाला कोई एक नहीं बल्कि दो अलग अलग इंसान हो। You're right. वीर, एक लंबी सी लकड़ी लेके आना। क्यों, मारेगा क्या? गाइस, संभाल के। अमित, क्या अंदर कुछ है? अमित, वीर। अमित, लाश है। निकालते हैं वीर। ओह माय गॉड। गाइस, ये लाश तो और भी सड़ी हुई लग रही है। एक काम करो, फोरेंसिक को फोन करो, आई एम श्योर अंदर और भी लाशें होंगी। हाँ। क्विक। हेलो, फोरेंसिक डिपार्टमेंट। सर, इधर एक और लाश है।
माया के खून से जुड़े सबूत लेने आए थे, यहाँ तो 6 लाशें और मिल गई। इन लाशों को देखकर लगता है कि इनको काफी पहले मारा होगा। इसका मतलब ये सारे खून माया और उस दूसरी लड़की से पहले हुए। अगर खूनी इन सब लाशों के बारे में जानता था तो फिर वो सिर्फ 2 ही लाशें सामने लेकर क्यों आया? हो सकता है वो कुछ कहना चाहता। इन सबके आइडेंटिटीज पता करते हैं, नाम पते सब कुछ। माया और शिप्रा के बारे में तो हम जानते हैं, बाकी बचे 6 लोग। अब देखते हैं सलोनी उनके बारे में क्या पता करती है। सबका खून एक ही तरीके से हुआ है, इसका मतलब ये कि इन सबका खूनी भी एक ही होगा। आखिर ये आदमी ने इतने सारे खून क्यों किए? सलोनी तुम्हें क्या लगता है? कुछ मिला? अनु चाय वाय लाऊं क्या? जया, ओमकार, राहुल, जयेश, हिमेश एंड लारा, इन सब के नाम की मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई। अरे वाह, ये तुम्हें कैसे पता चला? इनकी डिटेल्स की मदद से इन्हें ढूंढ निकाला। कैसे डिटेल्स? वेल, अमित, जैसे कि तुम जानते हो कि मिसिंग रिपोर्ट्स में काफी डिटेल्स दी जाती हैं, जैसे कि एज, वेट, हाइट, बालों का रंग, आंखों का रंग, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे यूजुअल स्टफ, यू नो। वाओ सुनो, तुम तो दिन पर दिन स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते जा रही हो। मिसिंग रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारे लोग पुणे से गुम हुए हैं, राइट? राइट, और ये है उन सबके एड्रेसेस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।